पंजाब सरकार दे गृह विभाग दे वल्लों 2015 दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हुई बेअदबी दी घटना नूं लै के दोषियों खिलाफ मुकदमा चलाउण दी मंजूरी दे दित्ती है। वधीक सकत्तर गृह मामले अते न्याय विभाग पंजाब अनुराग अग्रवाल IAS ने अपने अधिकारां दी वरतों करदिआं 30 जुलाई नूं डायरैक्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब चंडीगढ़ अते फरीदकोट जिले दे सीनियर पुलिस अधिकारियों नूं पत्र जारी किया है। इस पत्र राही बेअदबी मामलों च दर्ज मुकदमा नंबर 117 अते 128 दे दोषियों सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी पुत्र हरजीत सिंह वासी कोटकपुरा, शक्ति सिंह पुत्र बसंत सिंह वासी डग्गो रोमाणा, बलजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह वासी सिखावाला, रणजीत सिंह उर्फ भोला पुत्र मोहन सिंह वासी बस्ती ज्ञानी लाल सिंह कोटकपुरा विरुद्ध धारा 295A अते 153A IPC तहत मुकदमा चलाउण दी मंजूरी दे दित्ती है। अनुराग अग्रवाल ने पत्र दर्ज किया है अते कहा है कि मुकदमा नंबर 117 मिति 25 अगस्त 2015 जो थाना बाजाखाना विखे दर्ज किया गया है दी फाइल जांचण ते ए पाया गया है कि 24-25 अक्टूबर 2015 दी दरमियानी रात नूं हथ लिखित पोस्टर गुरुद्वारा बुर्ज जवाहर सिंह वाला दे बाहर लगाए गए जिन्हां ते काले मार्कर दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शान दे खिलाफ काफी शब्द लिखे हुए सन, जिन्हां शब्दां दे नाल सिखां दे धार्मिक विश्वास दा अपमान करके धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाई गई है, जिस ते इह मुकदमा दर्ज होया है। लिखे गए पत्र अनुसार एक केस देखने तो बाद पाया गया है कि सिट वालों दर्ज एक मुकदमे च तफ्तीश दौरान रिपोर्ट नंबर 35 मिति 15 मई 2015 नाल शक्ति सिंह पुत्र बसंत सिंह वासी डग्गो रोमाणा, सुखजिंदर सिंह उर्फ सनी पुत्र हरजीत सिंह वासी कोटकपुरा, रणजीत सिंह उर्फ भोला पुत्र मोहन सिंह वासी बस्ती ज्ञान लाल सिंह प्रेम नगर कोटकपुरा, बलजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह वासी सिखावाला नूं बतौर दोषी नामजद किया गया है अते हुण इन्हां दे खिलाफ खास तौर ते कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इन्हां नूं लैके काफी ज्यादा चर्चा भी छिड़ी हुई है क्योंकि लगातार जो बेअदबी दा मामला है उसनूं उलझा जा रहा है, पर किते ना किते हुण लग रहा है कि जो दोषी हैं उन्हां नूं जल्दी सजा मिल सकती है क्योंकि हुण प्रशासन इस मामले नूं लैके सख्त हुंदा नजर आ रहा है।